Hello my dear friends and my dear students. Today we are going to learn the reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns क्या होते हैं? और reciprocal pronoun indicates a reciprocal relationship. What do you mean by reciprocal relationship? क्या इसका मतलब होता है? परस्पर संबंधी या परस्पर के साथ relation रखने वाला जो संबंध होता है, means related to each other, उसको बोला जाता है रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए हमें रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज करना पड़ता है. वी यूज दिस प्रोनाउंस व्हेन ईच ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट्स, ईच ऑफ टू, दो सब्जेक्ट्स और मोर, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स क्या करते हैं, is acting in the same way towards the other. एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के साथ एक ही वे में जब acting करते हैं दो subject या दो से ज़्यादा. और एक बार समझाता हूँ, दो subject या दो से ज़्यादा subjects क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए एक ही वे में acting करते हैं, तब हम reciprocal pronouns use करते हैं. या परस्पर संबंधी acting करते हैं, जैसे कि There are two reciprocal. There are only two. खाली दो ही reciprocal pronouns है. क्या है वो? Each other, one another. आप लोगों ने पहले कई बार सुने होंगे each other, one another. But very important thing is most of the people are always confused to use these two reciprocal pronouns. ये दोनों को use करने में काफी ज्यादा लोग हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू बी क्लियर ऑन दिस. इसके बारे में पूरा हम क्लियर हो जाएंगे कि इसको कैसे यूज किया जाता है. फर्स्ट वन, ईच अदर, ये कब यूज किया जाता है? फॉर टू सब्जेक्ट्स. ध्यान से सुनिए, जब दो सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया जा रहा हो, जैसे कि दोनों ये ए है और ये बी है, ये इसकी मदद की और ये इसकी मदद की, परस्पर संबंधी, मदद करना, सेम वे ऑफ एक्टिंग, ए और बी दोनों की मदद की, दो ही सब्जेक्ट्स हैं, बी और सी दोनों को गाली दिए, ये एक दूसरे को गाली दिए, एक दूसरे को गाली दिए, जब सब्जेक्ट दो है, दो की बात किया जा रहा हो, तो हम यूज करेंगे ईच अदर. वन अनदर For more than two subjects, एक से दो से ज्यादा subjects जब हो, उसकी बात किया जा रहा हो, तब हम use करेंगे one another. जैसे कि ये इसको, ये इसको, ये इसको, एक दूसरे की, मतलब वो team के members एक दूसरे को, एक दूसरे की मदद करते हैं. Team में members 11 होते हैं, 6 होते हैं, या कुछ भी हो, एक दूसरे की मदद करते हैं. यहाँ दो की बात नहीं हो रही है, हम group की बात कर रहे हैं. More than टू सब्जेक्ट्स, तब वहां यूज करेंगे वन अनदर. एक बात मैं बोलना चाहूंगा, ज्यादातर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, इंटरव्यूज में एरर करेक्शन आता है, और ये बहुत ज्यादा बार मैं देखा हूं, आई हैव सीन मेनी टाइम्स, ये दोनों इसमें बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं लोग. तो प्लीज क्लियर हो जाइए. रश्मा एंड राहुल, एग्जाम्पल नंबर वन, रश्मा एंड राहुल आर हेल्पिंग ईच अदर. यहां पर दो ही सब्जेक्ट है, वन रेशमा, अनदर राहुल. आर हेल्पिंग ईच अदर, रेशमा और राहुल एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. यहां पर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप किसके बीच में? रेशमा और राहुल के बीच में. और एक्टिंग क्या कर रहे हैं? हेल्पिंग. और यहां लगाया गया है ईच अदर, बिकॉज ओनली टू सब्जेक्ट्स आर देयर. नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू वन अनदर. कभी कभार लेक्चरर्स या टीचर्स क्लासरूम में पढ़ा रहे होंगे और स्टूडेंट्स नहीं सुन रहे होंगे, एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे. स्टूडेंट्स मोर देन टू, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा हैं, तो वहां पर जैसे ग्रुप बन गया, हम सेकंड वाला यूज करेंगे. द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू वन अनदर, नॉट ईच अदर. ईच अदर लगाओगे तो यहां गलत हो जाएगा. नेक्स्ट, माई पेरेंट्स रेस्पेक्ट ईच अदर, मेरे पेरेंट्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट करते हैं. तो यहाँ पेरेंट्स दो ही है, एक फादर और एक मदर, दो सब्जेक्ट्स की बात किया जा रहा है, तो यहां पर ये ज्यादा लगाया गया. दिस विलेजर्स नेवर सपोर्ट वन अनदर, ये जो गांव वाले एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं. गांव वाले तो एक दो नहीं है, दो से ज्यादा, बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप हैं, तो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स जब बात किया जा रहा है, तब हमें वन अनदर लगाना चाहिए. ये काफी
मतलब छोटा टॉपिक था आज, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, अ वेरी स्मॉल वीडियो इट विल बी, बट ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। वाइल कम्युनिकेटिंग टू अदर्स, हम जब बात करते रहते हैं कभी कभार इसके ऊपर हम गलतियाँ कर बैठते हैं, तो आप लोग आज के बाद कम से कम गलतियाँ नहीं करेंगे अगर पहले से हो रहा हो तो। अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। मेरे ख्याल से ये कंटेंट्स आपको शायद अच्छे लग रहे होंगे, शायद नहीं, ज़रूर अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि सामल इंग्लिश चैनल में जो वीडियो सीरियली दिया जा रहा है, सीरियली एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जो सीरियल के हिसाब से एक सिक्वेंस में दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको ये कंटेंट्स जो देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स, माई डियर व्यूअर्स, आप लोगों को डेफिनेटली ये कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन में क्लिक कर दीजिए, देर मत कीजिए, अभी कर दीजिए प्लीज़। और दोस्तों को शेयर कीजिए, आपके जो अगर आप मतलब बड़े हैं तो आपके बच्चों को, रिलेटिव्स को, सबको शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी गलतियाँ ना करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।